तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि प्रथम 103 तथा प्रथम 107 प्राकृत संख्याओं का माध्य का योग बताओ। तो दोस्तों माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी होती है उनका योग हम ऊपर रखते हैं और जितनी संख्याएं दी होती है उनको गिन के हम नीचे रख के जो है डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 103 दे रखा है और 107 दे रखा है प्रथम, तो प्रथम हमें करना है। तो 7 और 3 10 होते तो 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ जाता और ये 1 और 1 2, तो 210 हो गया। अगर 210 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि दो संख्याएं दे रखी है, तो 2 एकम 2 और दोस्तों यहाँ पे 2 धाम 20 और 1 बच गया, तो 2 पंचे 10, तो 105 आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, पहला ही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि एक चील जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विचरण कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसकी चाल की गणना मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब दोस्तों चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, जो भी आपका दूरी होता है उसके बटे में हो जाता है आपका समय। तो हमें जो इसको दोस्तों समय से जो है डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो 180 किलोमीटर जो यहाँ पे दोस्तों इसको सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है। अब दोस्तों इसको जो आपको डिवाइड किससे करना है, समय से, तो यहाँ पे सेकंड के लिए दोस्तों 60 × 60 हो जाएगा, तो आपका जो है सेकंड आ जाता है। अब इसको दोस्तों आप जो है डिवाइड कर लो तो आपका आंसर जो है आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं 0 से 0 काट लेते हैं, 2 जीरो कट गए, उसके बाद यहाँ पे 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 और ये 30 हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये आपका 30 को 10 से करेंगे तो 300 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे जो दोस्तों तो आपका 300/6 हो गया, तो 6 कम 6 6 5 30 यानी कि 50 जो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर विचरण कर रहा है तो उसकी चाल की गणना मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि 6 मीटर तथा 30 सेंटीमीटर का अनुपात बताओ। तो 6 मीटर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका और 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो जो भी इसके समीकरण दे रखे हैं उनको आपको सेम करना होता है, तो 6 × जो आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, तो दोनों के जो दोस्तों ये सेंटीमीटर में हो गए हैं। अब इसको आप काट लो, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जो दोस्तों 2 हो गया, 2 × 10 तो 20 हो जाता है, 20 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 अनुपात 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, यदि संख्या 2 4 3 x 5 1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान बताओ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सभी के आंसर्स रख के आपको डिवाइड नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दोस्तों लास्ट के जो 3 नंबर्स होते हैं उनका योग 3 के पहाड़े में आने वाले संख्याओं से जो है डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो दोस्तों 5 और 1 होते हैं 6 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, 10 जो है आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 9, और 9 से जो है दोस्तों 9 डिवाइड हो जाता है, तो पहला ही आंसर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है।